तो कैसे है दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर एक वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने इस इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां और उनके लीडर्स के बारे में एक इन डिटेल रिपोर्ट दी थी। और अब जबकि पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है, तो इसमें लिटरली एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। यहां तक कि दोस्तों पाकिस्तान की टोटल 266 सीट्स के लिए लड़े गए इस इलेक्शन में ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जिसने अपने दम पर पाकिस्तान में एक बहुमत की सरकार बनाने जितनी भी सीट्स को जीता हो। तो आखिरकार क्या है इस पाकिस्तान इलेक्शन 2024 की अभी तक की पूरी कहानी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर किस पोजीशन पर पाकिस्तान की लोकतांत्रिकता में स्टैंड आउट करते हैं? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि आखिरकार वो कौन सी आने वाली नई सरकार होगी जो पाकिस्तान की इस डूबती हुई नैया को किनारे तक ले जाएगी। सो आइए इन सबकी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज के इस विजुअल में जानते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पाकिस्तान के इस पूरे चुनावी खेल को समझने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान की राजनीति के इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर नक्शे में आप देखिए, पाकिस्तान को आज टोटल 4 प्रांत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और वेस्टर्न पंजाब, फिर एक राजधानी इस्लामाबाद और एक गिलगित बाल्टिस्तान जो की कश्मीर के एक विवादित क्षेत्र का हिस्सा है, तो ऐसे करके आज टोटल 6 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और जब 1947 में हमारे और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की स्थापना की गई, तो इसके फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा सपना था कि उनका देश आने वाले फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में एक राष्ट्र राज्य बने, यानी कि पूरी दुनिया भर में एक बेहतर लोकतंत्र बन के उभरे। पर अफसोस आज पाकिस्तान के हालात इससे ठीक उल्टे है। अब 2023 की लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स को ही देख लो, जहाँ पे एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक स्कोर में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अब सिर्फ 3.25 का ही रह गया है। यानी कि इसका मतलब होता है कि देश एक सत्तावादी शासन की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट आज तक के पाकिस्तान के पूरे इतिहास में ऐसा एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपने 5 साल का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल पूरा किया हो, ऐसा एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तक कि 2024 के इस 16वें पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में राजनीतिक लड़ाइयां और कूटनीतियों की शुरुआत तो इससे पहले के 2018 के ही जनरल इलेक्शन में हो चुकी थी, जब 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, जिनमें इमरान खान की पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरी थी, जिन्होंने नेशनल असेंबली की टोटल 342 सीट्स में से 149 सीट्स पर जीत हासिल की थी। और इसी के साथ ही इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बन चुके थे। यहाँ तक कि खान से लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि इनके सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा, बट रियलिटी में इससे ठीक उल्टा हुआ। इमरान खान के शासन के दौरान पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई, चीजों के दाम बढ़ने लगे और देश पर बाहरी कर्जा बढ़ने लगा था, जिसके चलते 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया, जिस पर कई दिनों तक चर्चाएं और बहस चली और आखिरकार 10 अप्रैल को इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग की गई, जिसमें इमरान खान को उनके पद से हटा दिया गया। और ये पाकिस्तान के पहले ऐसे पीएम बने जिनको अविश्वास प्रस्ताव की मदद से पद से हटाया गया था। सो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहाँ पे किसी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा सदन में उस सरकार को हटाने या फिर सत्ता से बाहर करने की एक उम्मीद में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और फिर इस पर वोटिंग होती है। सो यहाँ पर भी इस अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के बाद 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ असेंबली के टोटल 342 सदस्यों के वोट्स में से 174 वोट्स की बहुमती को हासिल करके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका इस्लाम और छोटे बड़े दलों की सहमति से डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम नाम का एक गठबंधन बनता है। हालांकि अब भी इमरान खान की पीटीआई पार्टी तो सत्ता से बाहर होने के बावजूद वो पूरे देश भर के अपने समर्थकों में
बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रैलियां और मार्चों का आयोजन करती है। और ठीक इसी दौरान 3 नवंबर 2022 को खान जब वेस्टर्न पंजाब के वजीराबाद में एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे तो उन पर गोलियां चलती है और वो घायल हो जाते हैं। पर इसके बाद जब इमरान खान अपनी सर्जरी से उभर रहे थे तो इसी दौरान पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके खिलाफ कई सारे कानूनी मामले दर्ज करती है। और इन सभी केसेस की पूरी इन डिटेल मैंने पिछले वाले पाकिस्तान के वीडियो में बताई है। सो यहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जल्दी से जनरल इलेक्शन करवा के तख्ता पलट करने के लिए पीटीआई अपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभाओं को उनके कार्यकाल पूरा होने के टाइम से पहले ही भंग कर दिया। और एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए ना तो पाकिस्तान में इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी की सत्ता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का तख्ता पलटी किया है। और शायद ये भी एक वजह है कि आज भी पाकिस्तान का लोकतंत्र स्टेबल नहीं हो पाया। सो यहाँ पर पीटीआई ने दोनों राज्यों में से अपनी सरकार बर्खास्त कर दी थी, जिसके चलते पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक किसी भी प्रांत में सरकार बर्खास्त होने के ठीक अगले 90 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पर चुनाव होने चाहिए। और इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों में इलेक्शन की डेट अप्रैल 2023 से पहले की फिक्स की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की पीडीएम सरकार की पैसों की कमी और सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स की वजह से ये चुनाव अक्टूबर 2023 तक पोस्टपोन किया गया था। पर अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब 10 अगस्त 2023 को खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने उनकी सरकार को पार्लियामेंट्री में से भंग कर दिया, मतलब कि ऐसा तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि किसी देश का पीएम अपनी ही पार्टी को समय से पहले सत्ता से बाहर करवा रहा हो। सो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पाकिस्तान में एक नई सरकार के गठन के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने फाइनली जाके आगामी जनरल इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी 2024 को नामांकित किया। और आज दोस्तों इन्हीं 8 फरवरी को कंडक्ट किए गए पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के एक अनस्टेबल चुनावी परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है, जहां पे टोटल 266 सीट्स के लिए लड़े गए इस इलेक्शन में केवल 4 पार्टियां ऐसी थी दोस्तों जिसने पाकिस्तान में 4 से ज्यादा सीट्स हासिल की थी, केवल 4। और इसमें भी हैरानी की बात ये थी कि कई सारे पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना था कि इमरान खान और उनकी पीटीआई पार्टी इस बार पाकिस्तान में कहीं पे भी सीट्स नहीं जीत पाएगी। पर आज जब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स सामने आए तो ये चौंकाने वाले थे, मतलब कि जिस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई के लीडर इमरान खान को जेल में बंद कर दिया था, उनकी पार्टी को अपने चुनावी चिन्ह क्रिकेट बैट का यूज करने पर भी रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि इसके सभी उम्मीदवार एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि निर्दलीय रूप से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन आज इन सभी चीजों के बावजूद इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा 93 सीट्स पर पीटीआई ने जीत हासिल की थी। लेकिन ये जीत भी कहाँ काम आई, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स जीतने के बावजूद ये पाकिस्तान में बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 266 सीट्स में से 133 सीट्स पर जीत हासिल करनी पड़ती है। दूसरी ओर नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में टोटल 75 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की। और आखिरकार तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावर भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 54 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की थी। सो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से सरकार तो कोई नहीं बना पाया, तो आखिरकार पाकिस्तान में नई सरकार बनाएगा कौन? देखिए अब इसके लिए तो सबसे ज्यादा सीट्स जीतने के बावजूद अगली सरकार बनाने में फेल होने और अपने लीडर के जेल में होने की वजह से खुद इमरान खान के आदेशों पर पीटीआई पार्टी जो भी अब नई सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी उसके खिलाफ विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया है। और ये फैसला भी बहुत सोच समझ के किया गया है ताकि आने वाले अगले 2 साल के अंदर अंदर इस नई सरकार का भी तख्ता पलट किया जाए। यही तो खासियत है दोस्तों पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की। यहाँ तक कि पीटीआई खुद ऐसा दावा करती है कि उनके साथ इस चुनाव में अभी तक की पाकिस्तान के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी मतदान धोखाधड़ी हुई है, जिसमें पीटीआई के एक शानदाना गुलजार नाम के नेता ने कहा कि कराची जैसे पाकिस्तान के कई सारे इलाकों में 12.5 लाख वोट पीटीआई को मिलने के बावजूद अजीब बात ये थी कि वो लोग वहाँ पर एक भी सीट्स नहीं जीत पाए। तो खान के विपक्ष में बैठने के फैसले के बाद नवाज शरीफ की पीएमएल और बिलावर भुट्टो जरदारी की पीपीपी पाकिस्तान में एक गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशें कर रही है। और इस नए गठबंधन का नेतृत्व नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम शहबाज शरीफ करने वाले हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक बार फिर से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ हमको आने वाले टाइम
गेम में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये नए गठबंधन की सरकार अगर पॉसिबल हो पाया तो 2029 तक पाकिस्तान का नेतृत्व करेगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में इतिहास अपने आप को दोहराता है और हर बार की तरह इस बार भी ये नए इलेक्शन पाकिस्तान की लोकतांत्रिकता में स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। इस चुनाव के नतीजे देश के विकास और आर्थिक भविष्य के लिए बेहद निराशावादी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नेता या पार्टी को देश के विकास की नहीं पड़ी है, बल्कि ये लोग तो एक दूसरे के विकास को कैसे रोका जाए उसी खींचतान में लगे हुए है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में इस चुनाव से पहले एक सर्वे में पाया गया था कि यहाँ पर 10 में से 7 पाकिस्तानी लोग ऐसे थे जिनको अपने ही देश में किए जाने वाले इस चुनाव की ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। तो सोचो, जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी को अपने ही देश की डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है, तो फिर वो देश तरक्की कैसे करेगा। तो अभी इस पूरे पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर तब तक के लिए मिलते हैं अगले विजुअल में। गुड बाय।